हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल यही देखा होगा कि भारत के कैबिनेट मंत्री, जैसा आपको पता होगी कि आज यानी कि भारत के दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण लिया है, तो उनके साथ साथ उनके मंत्री भी शपथ ग्रहण यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होंगे यानी जो केंद्र में रहेंगे और कुछ राज्य मंत्री होंगे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कैबिनेट मंत्री बना है और कौन राज्य मंत्री बना है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल जानकारी यानी कि एकत्रित करें। देखिए, सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ कि कितने मंत्री बनना आवश्यक होता है। जैसे जितने सीटें होती है यानी कि एक कह सकते हैं कि लोकसभा में, जैसे लोकसभा में कितने अधिकतम सीट हो सकती है, 552 यानी कि 550 मैं मान सकता हूँ एक तरह से, यहाँ पे यानी कि 550 का 1/10 कह सकते हैं। तो 1/10 यानी कि कह सकते हैं मंत्री बनाने का हक यानी कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसके पास होता है। यानी कि अगर 1/10 कितना निकाला, 550 का, तो कितने होंगे यानी कि 55 मंत्री बनाने यानी कि प्रधानमंत्री को आवश्यक होते हैं। उससे कम भी बना सकता है लेकिन उससे यानी कि अधिक वह मंत्री नहीं बना सकता है। उसी में से उसको सभी डिपार्टमेंट को यानी कि डिवाइड करना होगा। तो मैं एक एक का यानी कि कैसे इमेज के साथ यानी कि बात करूंगा कि कौन क्या है सारी चीज के बारे में। लेकिन अभी देखिए, डिपार्टमेंट किसी को नहीं मिला कि रक्षा मंत्री कौन होगा, रेल मंत्री कौन होगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। बस ये बताया जाएगा कि यहाँ पे मंत्री कौन, राज्य मंत्री है कौन यानी कि कैबिनेट मंत्री है। तो पहला आपके स्क्रीन पे आ गया यानी कि श्री अमित शाह, यानी कि इनका लोकसभा सीट कौन सा था, गांधीनगर यानी कि जो गुजरात राज्य में पड़ता है, ये आपके कैबिनेट मंत्री थे। तो जो वहाँ पे मैं यानी कि राज्य मंत्री आएगा, मैं वहाँ पे ऑटोमेटिक बता दूंगा कि ये राज्य मंत्री है, नहीं तो जहाँ तक चलता जाएगा वो कैबिनेट मंत्री यानी कि केंद्र सरकार के पास वो रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर श्री नितिन गडकरी, यानी कि लोकसभा सीट इनका नागपुर है, जो आपका राज्य महाराष्ट्र राज्य है। तो आप इमेज देखते रहिए, उनको पहचानते रहिए कि आप इनको पहचानते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए लंबा होगा वीडियो, क्योंकि 55 लोगों का नाम लेना है। तो समझ सकते हैं कि अगर 1 मिनट में मैं 3 से 4 लोगों का नाम लूंगा तब भी आप समझ सकते हैं कितना लंबा वीडियो होने वाला। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर है श्रीमती यानी कि निर्मला सीतारमण, यानी ये आपके कह सकते हैं कि भाई आपको पता है कि रक्षा मंत्री भी रही है, और आगे देखिए इनको क्या डिपार्टमेंट मिलता है। चौथा नंबर है श्री राम विलास यानी कि पासवान, ये आपके बिहार के हैं कह सकते हैं। तो जिनका लोकसभा सीट यानी कि कंफर्म है कि ये इस सीट से जीते हैं उनका मैं बता दूंगा। और कुछ लोग यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको भी मंत्री बनाया गया, तो उनके बारे में यहाँ पे कोई भी डिटेल जानकारी नहीं मिल पाएगी इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं यानी कि पाँचवें नंबर है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये यानी कि आपके यानी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। छठे नंबर है श्री रविशंकर प्रसाद जी, यानी कि इनका लोकसभा सीट पटना साहिब, और राज्य इनका कौन सा है, बिहार राज्य से ये यानी कह सकते हैं कि बिलोंग करते हैं, उठे थे वहाँ से। आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर है डॉक्टर सदानंद गौड़ा जी, यानी कि आप इमेज देख सकते हैं। आठवें नंबर पे है यस जयशंकर, ये आपके IAS अधिकारी भी थे, उन्होंने यानी कि अपने पद से इस्तीफा देकर इस लोकसभा चुनाव में इन्होंने यानी कि कह सकते हैं कि चुनाव लड़ा था और इन्होंने अपने पद यानी कि जीता था। आगे बढ़ते हैं यानी कि आज के 9वें नंबर पे श्री रमेश पोखरियाल, यानी कि जी ये आपके 9वें नंबर के कैबिनेट मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पे, 10वां नंबर है श्री अर्जुन मुंडा जी, यानी कि आपने देख सकते हैं यानी कि अर्जुन मुंडा जी हैं आपके इधर क्षेत्र के, यानी कि जो आप समझ सकते हैं ना कि माओवादी। 11वां नंबर का है श्रीमती यानी कि स्मृति ईरानी, इनका तो आपको पता है कि लोकसभा सीट कौन सा, इटावा, जहाँ से यानी कि कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी उठे थे, उन्होंने यानी कि उनकी हार हुई थी, और यानी कि ये आपके उत्तर प्रदेश समझ सकते हैं यानी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं यानी कि 12वें नंबर के डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, यानी कि इनके बारे में आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, यानी कि दोबारा इनका कार्यकाल चालू होगा। 13वें नंबर पे है श्री प्रकाश जावड़ेकर, ये भी यानी कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आपको पता होगा यानी कि एजुकेशनल यानी कि आपके मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 14वें नंबर है श्री पीयूष गोयल, ये आपके रेल मंत्री हैं, ये दोबारा रेल मंत्री बन सकते हैं या ये वित्त मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि अरुण जेटली जी का यानी कह सकते हैं तबीयत खराब होने के कारण ये दोबारा बन सकते हैं। ये यानी कि मोदी सरकार के ऊपर है कि किसको कौन सा यानी कि डिपार्टमेंट दिया जाएगा। 15वें नंबर पे है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ये भी आपके मंत्री रह चुके हैं दोबारा, यानी कि एक कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री भी थे, दोबारा बनने के चांसेस इनके हैं। तो कोई भी बने कुछ से मतलब नहीं है, यानी कि आगे का जैसे ही डिपार्टमेंट 2 से 3 दिनों में यानी कि आ जाएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट को संभालेगा। 16वें नंबर पे है श्री प्रहलाद जोशी जी, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि श्री प्रहलाद जोशी जी को आप समझ सकते हैं। 17वें नंबर पे श्री महेंद्र पांडे जी, ये उत्तर प्रदेश यानी कह सकते हैं कि इनका क्षेत्र है यानी कि लोकसभा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से यानी कि राज्य से बिलोंग करते हैं, ये उत्तर प्रदेश के यानी कि भाजपा जो पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं यानी कि 18वें नंबर देखिए आपके स्क्रीन पे है 18वें नंबर, ये है कि श्री अरविंद शेखावत जी, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन है, ये श्री अरविंद शेखावत जी का इमेज है आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यानी कि 19वें नंबर पे श्री गिरिराज सिंह, यानी कि जो कह सकते हैं कि आपको कहाँ से, बेगूसराय जी से, बेगूसराय जो शहर है कह सकते हैं बिहार से, वहाँ से उठे थे इनके यानी कि खिलाफ कौन उठा, तो आपको कन्हैया कुमार के नाम से आपको पता होगा कि कौन उठे थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा देखिए जहाँ पे मेन मेन लोग उठे थे यानी कि उनका लोकसभा सीट आप जान लीजिए कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कह सकते हैं। 20वें नंबर पे पढ़ते हैं, 20वें नंबर देखिए श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, यानी कि आप इमेज देख सकते हैं।
बढ़ते हैं, यानी आप देखिए यहाँ तक थे हमारे कौन से थे, यानी कि केंद्र कैबिनेट के मंत्री थे, यानी कि जो भी हमारे कितने थे देख लिए एक बार आप, नंबर देख सकते हैं नंबर आपके कितने थे 20, यानी कि 20 है ये 21 और एक आपका और छोटे का कह सकते हो हरमीत सिंह जो बादल है वो लास्ट में इमेज चला गया, तो कोई बात नहीं मैं आपको बता दें, यानी 21 जो है आपके कैबिनेट मंत्री हैं और बाकी जो मंत्री बचे हैं वो आपके राज्य मंत्री हैं। तो शुरू होते हैं यानी कि अब राज्य मंत्री के बारे में, पहला आपका है श्री संतोष कुमार गंगवार, ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संतोष कुमार गंगवार जी को ये यानी कि दोबारा राज्य मंत्री बनाए गए हैं। 22वें नंबर पे है श्री इंद्रजीत सिंह जी, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पे, 23 नंबर पे है श्री असोपा मद नायक जी, ये आपके राज्य मंत्री जी बनाए गए हैं। 24 नंबर पे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यानी ये दोबारा कह सकते हैं कि राज्य के मंत्री बनाए गए, इसके पहले भी ये राज्य मंत्री रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर पे श्री किरेन रिजिजू जी, ये भी आपके राज्य मंत्री रह चुके हैं, आपको इनके बारे में अच्छी तरह से पता ही होगा, यानी कह सकते हैं जो पुराना डिपार्टमेंट था उसमें ज़्यादा यानी कि कह सकते हैं कि फेरबदल नहीं किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी बात भी है, और यानी कि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वही तो यानी कि मंत्रालय में कार्य कर सकता है। 26 नंबर पे हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, यानी कि आप इमेज देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर श्री राजकुमार सिंह, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे श्री हरदीप सिंह पुरी, ये दोबारा यानी कि मंत्री बनेंगे, यानी कि राज्य के मंत्री, इसके पहले भी ये राज्य मंत्री रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं यानी कि 29 नंबर पे, 29 नंबर है श्री मनसूप मंदावलिया जी, यानी कि ये IAS ऑफिसर थे, उन्होंने यानी कि अपने पद से इस्तीफा देने के बाद दोबारा इन्होंने चुनाव लड़ा और दोबारा इनकी कह सकते हैं कि जीत हुई, ये आपके लोकसभा के सदस्य बने। 30 नंबर पे हैं श्री कुल रस्ते सिंह पटेल, यानी कि आप ही में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यानी कि 31 नंबर पे श्री अश्विनी कुमार चौबे, यानी कि ये 31 नंबर पे यानी कि राज्य के मंत्री बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं यानी कि 32 नंबर पे श्री अर्जुन राम मेघवाल, ये भी आपके राज्य मंत्री जी बनाए गए हैं, कह सकते हैं इनके बारे में तो आपको पता होगा। श्री जनरल वीके सिंह, यानी कि ये गाजियाबाद जो आपका यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ से ये लोकसभा के सीट यानी कि जीते हैं, वहाँ से ये सांसद है, तो इनको यानी कि जनरल वीके सिंह जी को भी यानी कि राज्य मंत्री का पद यानी कि दिया गया है। आगे बढ़ते हैं यानी कि 34 नंबर पे श्री कृष्ण पाल जी, ये भी आपके राज्य मंत्री बने गए हैं, बनाए गए हैं। 35 नंबर पे हैं श्री दानवी सिंह दादाराव, ये भी राज्य मंत्री बनेंगे। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर पे श्री कृष्ण रेड्डी जी, ये भी राज्य मंत्री आपके यानी कि बनेंगे। देखिए आप एक बार बस देखे रहिए, क्योंकि पेपर में कोई भी किसी से डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप एक बार देखे रहेंगे तो आपको आने में दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पर श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, ये भी आपके राज्य मंत्री बनाए गए हैं। 38 नंबर पे हैं श्री रामदास अठावले, इनके बारे में तो आप जानते हैं, ये बिहार से रहने वाले हैं, इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं यानी कि 39 नंबर पर श्रीमती साध्वी निरंजन, इनके बारे में तो भैया आप जानते होंगे अच्छे तरह से, कह सकते हैं ठीक है। बढ़ते हैं 40 नंबर पर श्री बाबूल सुप्रियो, यानी ये भी फेमस व्यक्ति हैं, जैसे आपके कन्हैया कुमार हैं, या यानी कि इस तरह से जो भी आपके कह सकते हैं कन्हैया कुमार हैं इस तरह से, या आपके साध्वी निरंजन, ये आपके जो फेमस है उस तरह से, ये भी बाबूल सुप्रियो भी आपके फेमस व्यक्ति है एक तरह से। 41 नंबर पे हैं श्री संजीव कुमार बलावी, ये भी आपके IAS ऑफिसर थे, ये भी अपने पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़े हैं और इस बार इन्होंने लोकसभा का चुनाव यानी कि कह सकते हैं कि सीट जीती है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर पे श्री संजय श्याम राव, यानी कि जो बीच के व्यक्ति हैं ये वाले, ये आपके श्री संजीव श्याम राव, ये भी लोकसभा के चुनाव जीते हुए हैं। आगे बढ़ते हैं यानी कि 43 नंबर पे श्री रतनलाल कटारिया जी, ये भी आपके लोकसभा के चुनाव, ये भी राज्य मंत्री के यानी कि पद पे इनको नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पे श्री नित्यानंद राय, ये भी आपके लोकसभा के यानी कि कह सकते हैं कि आपके राज्य लोकसभा के सीट जीते हैं और ये राज्य मंत्री बनेंगे। 45 नंबर पे हैं श्री सुरेंद्र चंद्र बसपा, यानी कि पूरा नाम है, ये मत समझे कि बसपा पार्टी से हैं तो इनको मंत्री बनाए, ऐसा बात नहीं है, इनका पूरा नाम है श्री सुरेंद्र चंद्र बसपा। आगे बढ़ते हैं यानी कि 46 नंबर पे श्री अनुराग ठाकुर जी, इनको तो आप पता है यानी कि इसके बारे में जान सकते हैं, ये आपके जो BCCI डिपार्टमेंट है जो क्रिकेट कराता है उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो यानी कि इनका जो पिछला कार्यकाल नहीं था यानी कि वो हार गए थे, आपके दोबारा ये यानी कि कह सकते हैं मंत्री बने हुए, तो एक अच्छी बात है इनके लिए कि इनके पास यानी खेल का कह सकते हैं अनुभव ही है, तो यानी कि कह सकते हैं अच्छी तरह से पूरा डिपार्टमेंट ये संभालेंगे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पे श्रीमती रेणुका सिंह जी, यानी कि ये भी आपका राज्य मंत्री का निर्वाण यानी कि इनको पद दिया गया है। 48 नंबर पे हैं श्री पी मुरलीधरन जी, यानी कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं श्री पी मुरलीधरन जी का, यानी कि ये भी राज्य मंत्री के पद पे नियुक्त किए गए हैं। 49 नंबर पे हैं श्री सोमनाथ जी, ये सोम प्रकाश जी, यानी कि आप इमेज देख सकते हैं बीच में जो है ये सोम प्रकाश जी हैं, इनको राज्य मंत्री का पद यानी कि दिया गया है। 50 नंबर पे हैं श्री रमेश्वर तेली जी, यानी कि ये कह सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके गुजरात राज्य से रिलेट करते हैं श्री रमेश्वर तेली जी। आगे बढ़ते हैं यानी कि 51 नंबर पे श्री कैलाश चौधरी जी, ये आप देख सकते हैं कि मोदी जी इनके साथ हैं, यानी कि रैली कर रहे हैं, आपको देख ही रहे हैं, देखिए अच्छे तरह से देख सकते हैं, तो ये हैं श्री कैलाश चौधरी जी, यानी कि उनका यानी कि जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यानी कि 52 नंबर पे श्री प्रताप सिंह सारंगी, ये आप देख सकते हैं इनके पास, एक ऐसे सांसद है जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने यानी कि मेहनती और लगन वाले ये आपके यानी कि सांसद रह चुके हैं। ये दोबारा यानी कि इनका पिछला भी कार्यकाल सांसद थे लेकिन उस बार मंत्री नहीं थे, इनको इस बार मंत्री का पद दिया गया क्योंकि बहुत अधिक वोटों से ये चुनाव को जीते हैं।
आगे बढ़ते हैं, यानी कि 53 नंबर पे श्री देवी सिंह चौधरी, ये अब की बार राजमंत्री का पद यानी कि संभालेंगी। 54 नंबर पे है मुख्तार अब्बास नकवी, यानी कि कह सकते हैं ये आपके कैबिनेट मंत्री होंगे, यानी कि इनका और एक लोग और हैं कह सकते हैं, अभी आपका आएगा बादल जी का, उनको यानी कह सकते हैं ये दोनों लोग का आगे होना चाहिए लेकिन पीछे होंगे, कोई बात नहीं कह सकते, ये भी आपके कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और लास्ट में है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, ये कह सकते हैं कि ये यानी कि ये भी कैबिनेट मंत्री बनेंगी। तो ये थे हमारे कह सकते हैं इस वीडियो में कि कौन यानी कह सकते हैं कौन सा व्यक्ति को कौन सा यानी कि कह सकते हैं कि पद पे दिया गया यानी कैबिनेट मंत्री या राजमंत्री। तो इससे कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि आपके लिए न्यूज़ बनेगा, कल आपको कह सकते हैं कि पूरा पेपर यानी कह सकते हैं कि इसी के बारे में भरा होगा कि कौन सा कौन, लेकिन डिपार्टमेंट जैसे ही पता होगा कि किसको रक्षा मंत्री किसको यानी कि रेलवे मंत्रालय दिया गया है उसके बारे में मैं जल्द ही यानी कि आपको सूचित कर दूंगा कह सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह से मैं यानी कि डेली आपको अपडेट कराता रहूँगा। तो इसी तरह से आप